प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त गणेश अवहाड़ आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल होम टेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे आने वाले नए हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अष्टांग योग के पांचवें अंग को प्रत्याहार कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, यह पांच अष्टांग योग के बाहरी अंग हैं। और धारणा, ध्यान तथा समाधि यह अंतर अंग है। प्रत्याहार दो शब्द प्रति और आहार से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ है विपरीत, अर्थात इंद्रियों के जो अपने विषय हैं उनको उनके विषय या आहार के विपरीत कर देना प्रत्याहार है। इंद्रियां विषयी हैं, ये विषय को ग्रहण करती हैं। ये विषय हैं पंच तन्मात्राएं। चेतना ज्ञान प्राप्त करना चाहती है और चित उसका माध्यम बनता है। विषय अधिक होने पर चित उसमें भटक जाता है और यह ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होता है। जब इंद्रियां विषयों को छोड़कर विपरीत दिशा में मुड़ती हैं तो प्रत्याहार होता है, अर्थात इंद्रियों की बहिर्मुखता का अंतर्मुख होना ही प्रत्याहार है। योग के उच्च अंगों के लिए अर्थात धारणा, ध्यान तथा समाधि के लिए प्रत्याहार का होना आवश्यक है, अर्थात योग में प्रवेश करने की भूमिका ही प्रत्याहार है। वासनाओं की ओर जो इंद्रियां निरंतर गमन करती रहती हैं, उनकी इस गति को अपने अंदर लौटाकर आत्मा की ओर लगाना या स्थिर रखने का प्रयास करना प्रत्याहार है। इंद्रियों को विषयों से हटाने का नाम ही प्रत्याहार है। इंद्रियां मनुष्य को बाह्यभिमुख करती हैं। प्रत्याहार के इस अभ्यास से साधक योग के लिए परम आवश्यक अंतर्मुखता की स्थिति प्राप्त करता है। जिसको प्रत्याहार नहीं होगा उसको धारणा कहाँ से होगी? धारणा ही नहीं होगी तो ध्यान कहाँ से होगा? वासनाओं की ओर जो इंद्रियां निरंतर गमन करती रहती हैं, उनकी इस गति को अपने अंदर की ओर लौटाकर आत्मा की ओर लगाना या स्थिर रखने का प्रयास करना प्रत्याहार है। इंद्रियों को इन घातक वासनाओं से विमुख कर अपनी आंतरिकता की ओर मोड़ देने का प्रयास करना ही प्रत्याहार है। पांच इंद्रियां हैं आंख, नाक, कान, जीभ और स्पर्श। आंख देखने का कार्य करते हैं, कान सुनते हैं, नाक गंध लेती है, जीभ स्वाद लेती है और त्वचा से हमें स्पर्श का अनुभव होता है। जब हम इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में इच्छाएं और बलवान होने लगती है, क्योंकि असलियत में हमारा मन ही अधिकाधिक इच्छाएं करता है। मन ही देखना, सुनना और स्पर्श करना चाहता है, इंद्रियां तो सिर्फ माध्यम है। पांचों इंद्रियों द्वारा व्यक्ति अपनी वासनाओं की पूर्ति करता रहता है। असल में इंद्रियां बाहरी ज्ञान लेने का माध्यम होती है जिसके द्वारा हम सुरक्षा और सुख सुविधा से जी सके, लेकिन व्यक्ति जब पांचों इंद्रियों का दुरुपयोग करना शुरू करता है तो संपूर्ण ऊर्जा बाहर की ओर बहने लगती है और बार बार ऐसा करने से शरीर और मस्तिष्क का क्षय होने लगता है। ऊर्जा के बाहरी गमन को रोककर उसे भीतर की ओर मोड़ देना ही प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार में हम अपनी इंद्रियों को साधते हैं, अर्थात जब इंद्रियों की जरूरत होती है तब इनका प्रयोग करते हैं, अन्यथा तो इन्हें शांत रखते हैं। प्रत्याहार साधने से इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है वही जितेंद्रिय कहलाता है। मित्रों, इस तरह से हमने अष्टांग योग के पांचवें आयाम प्रत्याहार के बारे में सविस्तर जानकारी ली है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को हम ईश्वर समर्पित करते हैं। धन्यवाद।